नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल रामावत। एक घड़ी आधी सो आध, कबीरा संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कबीरदास जी कहते हैं कि एक क्षण या आधा क्षण, आधे का भी आधा क्षण, अगर इतने पल के लिए भी साधु के दर्शन हो जाए, साधु की संगत मिल जाए, तो हमारे कई करोड़ों पाप कट जाते हैं। मैं आज आपको एक ऐसे संत के दर्शन करवाना चाहता हूँ जो मोह माया काम लोभ से कोसों दूर है। त्यागी जी महाराज जीवन में सभी चीज़ों का त्याग कर चुके हैं, बस उनके पास है तो प्रभु का नाम, जिसमें वे निरंतर लगे रहते हैं। यहाँ के भक्त जब भी उन्हें देखते हैं वो मंत्र जाप में संलग्न रहते हैं। खाने पीने के नाम पर पिछले कई सालों से वो मात्र दिन में दो बार छाछ पीते हैं। ये उनका पूरा आश्रम है। इस आश्रम में आपको चूल्हा, तवा, परात, जो भी सामग्री आपको नहीं दिखेगी। यहाँ पे पानी का मटका है और ये आश्रम है और ये पेड़ है और त्यागी जी है। सांसारिक कोई भी वस्तु आपको इस आश्रम में नज़र नहीं आएगी। ये सनातन संस्कृति की विरासत है, ये हिंदुआ संस्कृति है। उस विरासत से ऐसे विरले संत निकलते हैं। विदेशों में संत पैदा नहीं होते, ये भारत की संस्कृति है, जहाँ पर ऐसे त्यागी पुरुष जो अपने जीवन में सभी चीज़ों का त्याग कर देते हैं और इस क्षेत्र के लिए एक मिसाल है। और संत और इतने त्यागी हैं, इतने तपी हैं, इतने जपी हैं कि इनके पास का जो ओरा है, अगर आप 5 मिनट भी यहां पर बैठते हैं तो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। बहुत विरले संत हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसे हमारे गोड़वाड़ क्षेत्र में ऐसे विरले संतों के दर्शन करना हमारे लिए, सच पूछिएगा तो, बहुत सौभाग्य की बात है। त्यागी जी की जो कुटिया है, इस कुटिया में कुछ भी नहीं है। ये कुटिया सिर्फ इन्हें गर्मी और बारिश से बचाने के लिए बनाई गई है और इतने बड़ी आश्रम की भी इन्हें आवश्यकता नहीं। ये तो भक्तों की जिद थी। ये त्यागी पुरुष है, इन्हें सिर्फ 4x4 की जगह चाहिए जहाँ पर बैठ के ये प्रभु का जप कर सके। संत मिलन को जाइए तजी मोह माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। अगर आप संतों के दर्शन करना चाहते हैं, संतों की संगत में बैठना चाहते हैं, तो आप अपना अभिमान, अपनी माया, ये सब उस द्वार के बाहर उतार के आए अपनी पादुकाओं के पास में। संतों के पास आना है तो एकदम याचक बन के आना है, तभी आप अपनी झोली को भर पाएंगे। और ये हमारा सौभाग्य है, इस गोड़वाड़ क्षेत्र का सौभाग्य है कि ऐसे तपी संत, ऐसे विरले संत का इन आँखों को दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। अगर जीवन में कुछ त्याग की भावना हमें सीखनी है तो हमें त्यागी जी से सीखनी चाहिए। धन्यवाद मित्रों। ये रामलाल जी हैं और त्यागी जी के परम भक्त हैं, और त्यागी जी की सेवा करते करते आपने भी पिछले 2 सालों से भोजन पूर्णतया त्याग दिया है।